नोएडा में पार्टी और फन के लिए जाने जाने वाला अड्डा गार्डन गैलेरिया एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। जी हां, नोएडा के गार्डन गैलेरिया में गुरुवार रात एक सूत्रा नाम के बार का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो पक्षों में भयंकर लड़ाई, मारपीट और धक्का मुक्की देखने को मिली। सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मारपीट का ये मामला वायरल हो गया। बता दें कि नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में गार्डन गैलेरिया मॉल में एक सूत्रा नाम के बार में गुरुवार रात मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक देर रात शराब के नशे में दो पक्षों के बीच रेस्टोरेंट के अंदर जमकर हाथापाई हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वहीं इस मामले पर दोनों पक्षों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में फिलहाल जुटी हुई है, लेकिन अब तक किसी का कुछ भी पता नहीं चल सका है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले पर एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि गार्डन गैलेरिया मॉल के एक रेस्टोरेंट में मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो के माध्यम से ही यह मामला प्रकाश में आया। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। जो भी इस प्रकरण में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये गार्डन गैलेरिया बार है, गार्डन गैलेरिया के अंतर्गत एक सूत्रा नामक बार है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर कुछ मारपीट होते हुए, धक्का मुक्की होते हुए दिखाया गया है। इस संबंध में जो प्रबंध तंत्र है उनकी तरफ से या बार वालों की तरफ से या किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई सूचना अभी तक पुलिस को नहीं दी गई है। इस वीडियो से ही ये प्रकरण संज्ञान में आया है। पुलिस को इसमें निर्देशित किया गया है कि जाकर वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करें। रात 1 बजे की घटना बताई जा रही है और उस समय के वीडियो फुटेज चेक किए जाएंगे, सीसीटीवी देखे जाएंगे। यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो ऐसे लोगों को पहचान करके जो भी इस प्रकार की अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कुछ समय पहले गार्डन गैलेरिया मॉल के द लास्ट लेमन नाम के एक बार में बाउंसरों के द्वारा एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर भी भारी हंगामा देखने को मिला था। अब एक बार फिर मॉल इस मारपीट की घटना के बाद अब चर्चा में आ गया है। नोएडा से भूपेन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।